Dear students, good morning. Now in your class 12, the next chapter is Contemporary South Asia. In this chapter, we will discuss about the military rule and democratic way of Pakistan. Pakistan faced several attempts of military rule, and the country was under the reign of military rule from the 1947, from after the freedom. And then this was the matter, because this is the main matter. Pakistan lacked a stable democracy in that country due to so many generals like Yahya Khan, Ayub Khan, General Ziaul Haq, General Parvez Musharraf. They ruled over that country. So first of all, in this chapter, we have to discuss so many things about the India and Pakistan, and the relation between India and Pakistan, and the matters of Pakistan during the democratic rule or military rule. Then, as you know that, what is the meaning of South Asia? South Asia means India, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Sri Lanka. These are the seven countries belong to South Asia. And then in this chapter, first we have to discuss about the relations between India and Pakistan. But first topic is here, military and democracy in Pakistan. When Pakistan framed its constitution, and then General Ayub Khan took over the administration of the country and soon get himself elected. But recently, the satisfaction of his rule brought him out of his office, and then General Yahya Khan came to the power. But General Yahya Khan, during this period of General Yahya Khan, the Pakistan faced the Bangladesh crisis, as you know that 1971, Bangladesh crisis, and East Pakistan emerged like a new country, and its name Bangladesh. तो देखिए यहाँ पे एक बात क्या है कि कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में आपके सात कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान. ये सात कंट्रीज साउथ एशिया में आते हैं. ये साउथ एशियन कंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं. इसमें सबसे पहले जो चर्चा करना है वो है आपका पाकिस्तान के मिलिट्री रूल और डेमोक्रेटिक रूल के बारे में जानकारी है, और ये जानना है कि ये जो कंट्री है इसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों हुए, कि मिलिट्री रूल जो है वहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों सफल हुआ, या पाकिस्तान में कभी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका, इसके पीछे क्या कारण है. तो देखिए, आज़ादी जब हुई, आज़ादी के बाद वहाँ जब संविधान बना, संविधान बनने के बाद जनरल अयूब खान जो थे उन्होंने अपने सत्ता में वो आए, लेकिन अचानक उनके खिलाफ एक विद्रोह शुरू हुआ उनके शासन के खिलाफ, और ये कहा गया कि उनका शासन जो है सो उनको जो है उस विद्रोह का नतीजा हुआ कि उनको ऑफिस से बाहर निकलना पड़ा. और जब वो ऑफिस से गए, मतलब जब उनको हटाया गया, तो फिर वहाँ पे आ जाता है जनरल याहिया खान. ये 1971 से 1977 का मैटर है, और जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मैटर आया बांग्लादेश को लेकर. देखिए, बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था. वहाँ एक नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, वहाँ के पॉपुलर नेता थे, और याहिया खान यहाँ पे सरकार में थे. इसका ये कहना था, बांग्लादेश का जो कल्चर है वो बंगाली है, भाषा बंगाली है. तो शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान में चुनाव जीत गए थे. तो वहाँ पर ये एक र्यूमर फैला कि ये जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं इस पर बंगला बोलने वाला कैसे डोमिनेट कर सकता है, जिसके चलते याहिया खान ने अपनी मिलिट्री को भेजा और बांग्लादेश पे काफ़ी अत्याचार करवाया. ऐसा कहा जाता है कि ये हिटलर से भी ज़्यादा अत्याचारी था. मतलब ये हिटलर ने भी इतना अत्याचार नहीं किया होगा जितना अत्याचार इसने बांग्लादेश के उन सिटीजन्स पर किया जो ईस्ट पाकिस्तान में तब तक थे जब तक वो एक फ्री कंट्री के रूप में नहीं आया था. लेकिन जब ये अत्याचार शुरू हुआ, तो उस समय जो आपको फील्ड मार्शल ये जो थे याहिया खान, इसके ऑर्डर पे वहाँ पर आर्मी ने शुरू किया, तो शेख मुजीबुर रहमान ने इसका अगेंस्ट किया, क्योंकि वो वहाँ के नेता थे, ईस्ट पाकिस्तान में चुने गए नेता थे वो. उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, और जनरल मानिक शॉ जो यहाँ के थल सेना अध्यक्ष थे,
अब प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुआ कि इंडिया का मेन इंटेंशन था इसमें कि किसी भी तरह से ये जो टॉर्चर जो आर्मी के द्वारा हो रहा है उसको रोका जाए। तो टॉर्चर को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को पूछा कि इसको कैसे क्या किया जाए। तो मानेकशॉ ने कहा कि इसको छोड़ दीजिए, अभी कुछ नहीं किया जा सकता है जब तक कि चाइना बॉर्डर पर बर्फ़ नहीं गिरता है, तब तक जो है कुछ भी करना मुश्किल है। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान का जो मूवमेंट था वो बांग्लादेश में चलता रहा, लेकिन बाद में शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया और पाकिस्तान के एक जेल में डाल दिया गया और यहाँ आर्मी का अत्याचार चलता रहा। लेकिन एक समय फिर इंदिरा गांधी ने एक्शन लिया, क्योंकि वो भारत की प्रधानमंत्री थी, उनको लगा कि बांग्लादेश के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पर भारत को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। और भारत ने अपने तरफ से जो स्टेप लिया उसके तहत जो जनरल मानेकशॉ थे और आपको याहिया खान जो था जो वहाँ का पावर ले लिया था अयूब खान के बाद, तो याहिया खान की ये गलती ही थी कि उसने बांग्लादेश के लोगों पर टॉर्चर करवाया। नतीजा ये हुआ कि 1971 वार को जब आप देखेंगे इन डिटेल तो पता चलेगा कि 93,000 पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया था आपको जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने। और इस आर्मी के सरेंडर के बाद पाकिस्तान के साथ एक दूसरा देश तैयार हुआ जो भारत का ही एक अंग था कभी, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश, जिसको हम लोग बांग्लादेश क्राइसिस के नाम से जानते हैं। क्योंकि उसका जो सेनाध्यक्ष था वो एके नियाजी था, नियाजी के सामने इन लोगों ने सरेंडर किया। 93,000 बांग्लादेश पाकिस्तान के सैनिक थे। और फिर इस मैटर के कारण याहिया खान वहाँ काफ़ी अनपॉपुलर हुआ, याहिया खान का भी सरकार से जाना तय हुआ। और तब वहाँ पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है जिसका नाम है जुल्फिकार, जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने उनका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो। अब जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को स्टेबल करने की कोशिश भी की। उन्हीं की बेटी का नाम है बेनजीर भुट्टो, जो बाद में फिर वहाँ की प्रधानमंत्री बनी। उनका दो लड़का था, शहनवाज हुसैन और मुर्तजा हुसैन, दोनों की तो हत्या हो गई और जुल्फिकार अली भुट्टो को तो फांसी दे दिया गया। तो पाकिस्तान के इतिहास में एक चीज़ आप देखेंगे कि जनरल्स या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई लाइफ नहीं है। वहाँ पे कोई ऐसा विद्रोह होता है कि सैनिक आकर के उस पर कब्जा कर लेता है, जिसके चलते जो है पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को बुट शासन कहा जाता है, यानी सैनिक शासन। वहाँ हमेशा से सैनिक ही शासन रहा है और सैनिक शासन के चलते ही पाकिस्तान में कभी भी कोई स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं हो सका। इसीलिए नहीं हो पाता है, उस देश में डेमोक्रेसी होना बहुत मुश्किल है जहाँ पर कि मिलिट्री का सबसे ज़्यादा चलता हो, क्योंकि मिलिट्री कभी भी डेमोक्रेसी को होने नहीं देगा। देखिए इंडिया में जो शासन का जो सिस्टम है ये थोड़ा डिफरेंट है। इंडिया में मिलिट्री है लेकिन वो रक्षा मंत्री के अंदर है, डिफेंस मिनिस्टर, और उसके चेयरमैन राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति को यहाँ पे जो पावर दिया गया है वो हेड ऑफ द स्टेट के हिसाब से प्रेसिडेंट को पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट आर्मी के विंग को तब तक कुछ नहीं कह सकता है जब तक कि उसको लोकसभा से राय और प्रधानमंत्री से सलाह न किया हो। लेकिन पाकिस्तान में जो पावर का जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है, वो कुछ इस तरह से है कि वहाँ आर्मी को भी स्पेशल कुछ पावर है, प्रेसिडेंट को भी पावर है और पीएम को भी पावर है। लेकिन सवाल उठता है कि इसमें सबसे पावरफुल जो एक पोजीशन है वो आर्मी का ही है। आर्मी जब चाहता है तब पोजीशन को टेकओवर कर लेता है। और इस पोजीशन पर एक बार ही नहीं, ये जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से अगर गिनिएगा तो 5-6 बार ये प्रयास हो चुका है और ये सफल भी रहे हैं। एक लंबे दशक तक इन लोगों ने शासन भी किया है, चाहे वो अत्याचारी शासन हो या फिर डिस्पॉटिक हो। लेकिन ये जो पावर का फ्लक्चुएशन में जो सबसे जो पावरफुल है वो है पाकिस्तान में आर्मी। आर्मी आज आप अगर पाकिस्तान के इतिहास को देखिएगा तो आर्मी वहाँ बिजनेस करती है, आर्मी का पेट्रोलियम का बिजनेस है, आर्मी का हर चीज़ में वहाँ पे दखल है और जो भी कानून बनता है उसमें आर्मी का दखल रहता है। तो आर्मी जिस कंट्री में अपना दखलंदाजी शुरू कर दे उस कंट्री में कभी भी स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं होता है। इसलिए कि स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं होने का एक कारण यह है
कि वो अपने तरीके से, चूंकि वो सेलेक्टेड बॉडी होता है, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये नहीं होते हैं, जिससे कि इनको ये खतरा हो कि एक समय के बाद इनका शासन चला जाएगा। ये शासन में आने के बाद इसी तरह से करते हैं। आप सारे कंट्रियों का इतिहास देखना चाहें अगर, तो म्यांमार एक कंट्री था, वहाँ भी मिलिट्री रूल था। नतीजा क्या हुआ? आंग सान सू को मोर देन 20 ईयर्स हाउस अरेस्ट में रहना पड़ा। एक कंट्री था आपका नाइजीरिया, वहाँ भी यही हाल हुआ, जो मिलिट्री रूल के चलते वहाँ भी समाप्त हुआ। उसके एक नेता थे केन सारो विवा, जिनको मार दिया गया। फिर देखिए एक कंट्री है आपका, ये जो मिलिट्री रूल के अंतर्गत आता है, इसमें जो छोटे छोटे देश होते हैं वही सब कंट्री इसमें आ जाता है। और जैसे कि आपने चिली और पोलैंड की कहानी में चिली का पढ़ा होगा, सल्वाडोर अलेंदे को किस तरह से मार के फिर अगस्त पिनोसेट वहाँ पे कैप्चर कर लिया, लेकिन फिर एक रेफरेंडम हुआ तो फिर उसको हटाया गया। तो ये आर्मी को हमेशा लगता है कि उसका शासन जो है वो स्टेबल रहेगा, लेकिन समय के साथ सब चीज़ बदल जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी, हाँ एक मिलिट्री शासन जो है वो सब दिन रहा, वो कंट्री था क्यूबा, और उसके शासक थे फिडेल कास्ट्रो। ये अच्छे शासक के रूप में गिने जाते हैं, इसीलिए इनका नाम लिया जाता है। हालांकि ये भी मिलिट्री रूल ही था, लेकिन इसने अपने यहाँ अपने देशवासियों के लिए अच्छा काम किया है, ऐसा माना जाता है, ऐसा इतिहास में है। और लेकिन पाकिस्तान में जितनी बार मिलिट्री रूल हुआ, कभी भी उसमें कोई भी मिलिट्री रूल जो है सक्सेसिव एक बेहतर काम कुछ नहीं किया जनता के लिए, सिर्फ डिस्टर्ब किया, कंट्री को डिस्टर्ब किया। और इनह्यूमन बिहेवियर जो है इन लोगों का सबसे ज़्यादा था। आज अभी तो आपको इसमें मुशर्रफ तक मैटर दिया हुआ है, जनरल परवेज मुशर्रफ, तो 2001 तक है आपका जो मैटर है, लेकिन उसके बाद भी जो अभी 2020 आया, इस बीच में फिर सरकार गई आई, क्या हुआ, ये तो अलग डिस्कशन है। लेकिन बांग्लादेश क्राइसिस 1971 जो था, ये पाकिस्तान में एक अलग मैटर है, क्योंकि इसमें क्या हो गया कि इंडिया का इंटरफेरेंस हो गया। अब देखिए यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे कुछ पॉलिसी चेंज हो गए। आफ्टर 1971 पाकिस्तान मेड इज नेशनल पॉलिसी टू डिस्टर्ब इंडिया कंप्लीटली, एंड दैट कंट्री डिड एवरीथिंग टू डिसइंटीग्रेट इंडिया, फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया थ्रू द टेररिज्म, थ्रू द ब्लास्ट, थ्रू द बॉर्डर टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से इसका यही चीज़ स्टार्ट हुआ कि आखिर इंडिया क्यों इंटरवेंट किया। ये बात भी सही है कि अगर इंडिया इंटरवेंट नहीं करता, अगर इंडिया का इंटरफेरेंस नहीं होता, तो हो सकता था कि उसमें जो है सो आपका ये नहीं होता, क्या कहते हैं सो बांग्लादेश एक अलग कंट्री नहीं बनता, ऐसा हो सकता था। कहना मुश्किल है क्योंकि इन लोगों ने जिस समय शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के जेल में डाला, तो फिर इंदिरा गांधी ही उसको छुड़वा के लाई, और सबसे पहले वो दिल्ली ही आए थे, और मुक्ति वाहिनी सेना के नाम से उसको ये किया गया। और फिर वो बांग्लादेश गए तो उनको वहाँ पे जो है सो बनाया गया, उनको पद दिया गया। आज उनकी बेटी जो है शेख हसीना वाजिद, वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। इसके शेख मुजीबुर रहमान के परिवार का शेख हसीना वाजिद छोड़ के कोई जीवित नहीं है, सबको मार दिया गया। क्योंकि बांग्लादेश का जो शासन था, बांग्लादेश की जो परिस्थिति थी 1971 से 1977 या 1971 से 1974 के बीच में, तो बहुत ख़राब परिस्थिति थी वहाँ के। जो दरअसल एक चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान कैसे उसको अपने अंडर में या वहाँ पे इस तरह का शासन करता था। तो जो बांग्लादेश के जो थे, जो मिनिस्टर्स थे, वो लोग भी तो उससे मिले हुए थे, वो पाकिस्तान से मिले हुए थे, और वो टॉर्चर करवा रहे थे। और ये एक ऐसा मिलिट्री टॉर्चर था जिसकी तुलना की कहा जाता है कि हिटलर ने भी इस तरह से लोगों को नहीं मारा पीटा होगा, जिस तरह से कि आपको याहिया खान की मिलिट्री ने बांग्लादेश पे जुर्म और अत्याचार किया, छोटे छोटे बच्चों को मारना, घर में आग लगा देना, बच्चों को जिंदा जला देना, ये सब एक आम प्रक्रिया थी उससे वो सैनिक का जो उसने किया बांग्लादेश में। तो अब इंडिया चूँकि बगल में एक देश है, तो उसको लगा कि उसको इसको कोऑपरेट करना चाहिए, अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि कल को ये बात आ जाए इंडिया ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया अपने साउथ एशियन कंट्री के डिस्टर्बेंस में। तो इंडिया का यहाँ पर इंटरेस्ट लेना ही पाकिस्तान को बहुत बड़ा दुश्मन बना दिया। हालांकि पाकिस्तान से इंडिया के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। जब विभाजन हुआ तो एक कॉम्युनल राइट हुआ,
उसने 10 से 15 लाख लोग मारे गए। विभाजन के बाद जैसे ही देश बना 1948 में एक बार युद्ध हो गया कश्मीर को लेकर, फिर उसके बाद 1965 में लड़ाई तो हो ही गई थी, फिर 1971 में बांग्लादेश और इंडिया, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो सेपरेशन हुआ, उस सेपरेशन के बाद जो है इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन हमेशा के लिए ही समाप्त हो। फिर एक तो रिलेशन था नहीं और जो भी था वो समाप्त हो गया, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो जो वहाँ के फिर और फिर चुने गए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनका शासन था 1971 से 1977, ये भुट्टो गवर्नमेंट जो है ये आपको हटा दिया गया 1977 में, और भुट्टो को जो जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई 1979 में रात के 2 बजे। उस समय बेनजीर उनसे मिलने के लिए गई थी लेकिन मिलने के लिए नहीं दिया गया, तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि ये मेरा अधिकार है। तो देखिए शासकों के साथ जिस देश में क्या व्यवहार किया जाता है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे, तो बेनजीर भुट्टो जब मिलने के लिए गई तो कहा कि नहीं आपको जो है, कहा कि आखिरी बार हम पिता हैं इसलिए बेनजीर से हम गले मिलना चाहते हैं, तो कहा कि गला आप नहीं मिल सकते, सिर्फ सलाखों से हाथ ऐसे निकाल के आप छू सकते हैं। बस इतना ही जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो को टच किया और उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को फिर उसी सेल में डाल दिया गया जहां उसको फांसी देनी थी। अब ये हार्ड एंड फास्ट रूल और इस तरह की कार्रवाई के पीछे एक वजह क्या थी, तो उसको एक मर्डर केस में फंसा दिया गया, नवाब खान मर्डर केस। अब देखिए इतना बड़ा तानाशाह, इतना बड़ा शासक, और वो तानाशाह नहीं था, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था, बात समझिए, लेकिन उसको जब फांसी दी जाती है तो उसके परिवार के किसी लोगों को उससे मिलने तक नहीं दिया जाता है, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मानते थे। आपने देखा होगा शिमला एग्रीमेंट का, जब देखिएगा तो इंडिया आए थे तो वो अपनी लड़की को जहाँ भी जाते थे वो बेनजीर को साथ में लेके जाते थे, लेकिन एक शासक को रात में 2 बजे फांसी दिया जाता है और उसके परिवार को उससे मिलने नहीं दिया जाता है। दिस इज़ द इंटरिम पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एंड आई थिंक पाकिस्तान नेवर मेंटेन्ड एनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन इन माई ओपिनियन देर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, दैट कंट्री ऑलवेज कैरीड द इनह्यूमन बिहेवियर टूवर्ड्स देयर सिटीजन्स एंड सच टाइप ऑफ एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड ए अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दिस इज नॉट द मैटर दैट गवर्नमेंट वर्क, यू हैव सीन द मैटर्स ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ, बिकॉज ऑफ दैट मैटर्स आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी सिलेबस इन क्लास 9। एंड देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, यू शुड कंपेयर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देर इज नो फंडामेंटल राइट इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज डिवाइडेड इन सो मेनी कास्ट, सो मेनी रिलीजन्स, सो देर इज नो रूल इन दैट कंट्री and there is no system, so how can we expect for the democracy in that country। तो एक चीज क्या है कि ये बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो को जब 1979 में फांसी दे दी गई तो यहाँ से भुट्टो परिवार का एक शासक चला गया। अब फिर जो इसको भुट्टो को हटाया था उसका नाम था जनरल जियाउल हक, ये वहाँ के मिलिट्री चीफ थे, ये बाद में वहाँ के राष्ट्रपति बने। जनरल जियाउल हक थे तो राष्ट्रपति, लेकिन बड़े ही डरपोक किस्म के आदमी थे, इनको डर लगता था कि पीछे से कोई गोली मार देगा, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान के लगभग 20% जंगल कटवा दिए कि इनकी गाड़ी इधर से जाए उधर से एक भी पेड़ नहीं होना चाहिए, एक भी वृक्ष नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट हाउस के सामने कोई वृक्ष नहीं था, सारे वृक्ष कटवा दिए गए। ये इसने अपनी नेशनल पॉलिसी में डाला कि जो भी करना है इंडिया के अगेंस्ट में करना है, और द प्राइम मिनिस्टर मेड द पाकिस्तान जिहादीज एंड ही इज द मेन पर्सन हु डिस्ट्रीब्यूटेड द मैसेज ऑफ जिहाद इन पाकिस्तान एंड देन इट वॉज द कन्वर्सन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। जनरल जियाउल हक जिसकी मौत एयर क्रैश में हो गई, ये एयर क्रैश में नहीं एरोप्लेन में बैठे हुए थे, बम ब्लास्ट में इनका तो ये भी गए। अब ये जो जुल्फिकार अली भुट्टो
के बाद जनरल जिया आए, और जनरल जिया उल हक जो थे वो बेनज़ीर भुट्टो के बड़े ही चहेते थे, बड़े ही विश्वास पात्र थे, उनको बड़ा ही विश्वास था जनरल जियाउल हक पर, और वही उसी जनरल जियाउल हक ने इनको हटाया। देखिए बांग्लादेश में देखिएगा, सरताज अजीज था जो इससे मिला हुआ था ईस्ट पाकिस्तान से, और उसने सारे गवर्नमेंट को डिस्टर्ब किया, वहाँ पे याह्या खान की मिलिट्री ने अत्याचार किया। यहाँ भुट्टो का जो था, जो सबसे बड़ा विश्वासी पात्र था, वो था जनरल जिया। लेकिन भुट्टो को हमेशा ये लगता था कि जनरल जिया कभी भी उसको गद्दी से रिमूव कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह की परिस्थिति हो जाए। जब जनरल जिया का तो इस तरह से जनरल जिया का भी अंत हो गया, और जनरल जियाउल हक भी प्लेन में अमेरिका जा रहे थे और वो जो है बम ब्लास्ट में मारे गए। अब देखिए फिर अगेन 1988, ये हो गया 1977 के बाद फिर जनरल जिया 1982, फिर 1988 में फिर जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो वो जीत करके आती है, और वो जब जीत करके आती है तो 1988 में वहाँ पर फिर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आता है, और बेनज़ीर भुट्टो अपना जो है शासन वहाँ से शुरू करती है। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की जो पार्टी थी PPP, जो उनके पिता ने बनाया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका स्टीफ कंपटीशन, जिसको कहिए टफ कंपटीशन, चलता रहा नवाज शरीफ की पार्टी से। और इस दौरान जब बेनज़ीर भुट्टो प्रधानमंत्री रहे तो नवाज शरीफ अपोजिशन में थे, और फिर यहाँ से क्या हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो 1988 में जब प्रधानमंत्री बनी तो पाकिस्तान के कुछ हालत सुधरे और पाकिस्तान फिर से जगह पर आने लगा। लेकिन 1988 में 8 के बाद फिर परवेज मुशर्रफ जो है वो नवाज शरीफ को जब फिर चुनाव हुआ तो फिर नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, और नवाज शरीफ के भी अच्छे ही संबंध थे परवेज मुशर्रफ के साथ, जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ। इसने 2001 में अपने आप को इलेक्टेड गवर्नमेंट का, उसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान घोषित कर दिया और नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया। नवाज शरीफ को जेल में डालने के बाद उस पर मुकदमा चला और फिर उसको देश निकाला की सजा हो गई, देश निकाला की सजा हुई। इसी बीच में जो इस इलेक्शन के चुनाव प्रचार में जो इलेक्शन नवाज शरीफ को देश निकाला हो गया, नवाज शरीफ सऊदी अरबिया में या दुबई में शरण ले लिया, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान 2010 तक बने रहे। फिर उस पर से मुकदमा हटा, संविधान में संशोधन किया गया, और फिर जो है सो 2000 के आसपास फिर नवाज शरीफ को वापस लाया गया। फिर वहाँ पे आपको जो है सो फिर पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हुआ एंड नवाज शरीफ अब वहाँ पे कंपिटेंट में बेनज़ीर भुट्टो भी आ गई। तो बेनज़ीर भुट्टो लंदन से वापस आई अपने घर कि अब चुनाव लड़ेगी, बम ब्लास्ट में उनकी वहीं पर हत्या कर दी गई। जिस दिन आया उसी दिन चला, उसी दिन उनके रैली में ही उनका मर्डर हो गया, हत्या हो गई, और नवाज शरीफ चुनाव जीत करके फिर प्रधानमंत्री बने और परवेज मुशर्रफ फिर देश छोड़ के भाग गया, और ये क्रम चलता रहा। ऐसा कहा जाता है कि आज तक पाकिस्तान का कोई भी राष्ट्रपति सिवाय बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड जो हैं, उनका नाम है बेनज़ीर भुट्टो असद अल जाफ, बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड जो राष्ट्रपति थे उनको छोड़ के कोई भी राष्ट्रपति ऑफिस से घर नहीं पहुंचा है, या तो बम ब्लास्ट में मारा गया, या तो गोली मार दिया गया, या तो क्रश में मारा गया। इस तरह की स्थिति है पाकिस्तान की। अब अभी देखिए वहाँ क्या है कि जनरल मुशर्रफ हटे, मुशर्रफ गए तो फिर नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, फिर चुनाव हुआ तो तहरीक इंसाफ पार्टी इमरान खान जीत के आ गए, और फिर नवाज शरीफ जेल में डाल दिए गए। फिर इधर नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई थी तो उनको लंदन में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया था, और तहरीक इंसाफ पार्टी का नेता इमरान खान अभी वहाँ पे स्टिल प्रधानमंत्री है, उसके मिलिट्री कमांडर जनरल बाजवा है। ऐसा कहा जाता है कि इमरान खान के हाथ में पावर कम और जनरल बाजवा के हाथ में ज़्यादा है। तो ये जो बुट पॉलिस पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, आर्मी रूल, इसने कभी भी
पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक रूल्स को इस्टेब्लिश होने नहीं दिया। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमने कितने चीज़ों को देखा, जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज शरीफ, और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ। इस तरह से हम लोगों ने सारे मैटर्स को देखा, मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ओके, थैंक यू।